हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस इलेक्ट्रिकल गैजेट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आज आपके साथ राकेश विश्वकर्मा। आज मैं आपको ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग के बारे में बताऊंगा कि ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे की जाती है, वायरिंग करने के बाद कंडक्टर कैसे होल्ड होता है, कैसे अनहोल्ड होता है, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। कंट्रोलिंग वायरिंग बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको कंडक्टर के अंदर बेसिक रूप से क्या क्या लगे होते हैं, इसके साथ यूज होने वाले दो पुश बटन ये कैसे काम करते हैं, आइए इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अगर कंडक्टर के अंदर देखा जाए तो कंडक्टर के नीचे साइड में एक स्टैटिक आयरन कोर लगी होती है जो लोहे की पतली पतली पत्तियों की परत से बनी होती है, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगी होती है जिसके A1 और A2 दो पॉइंट होती है जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, और ठीक इसी कॉइल के ऊपर एक और मूविंग आयरन कोर लगाई गई होती है जो स्प्रिंग के माध्यम से ये मूविंग आयरन कोर ऊपर नीचे की तरफ मूव करता रहता है कुछ इस तरीके से। इस मूविंग आयरन कोर के ऊपर देखा जाए तो इसके ऊपर एक फिक्स्ड इंसुलेटेड रॉड टाइप का लगी होती है जिसके ऊपर इस टाइप के मूविंग कॉन्टेक्ट लगे होते हैं, और इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ ये स्टैटिक कॉन्टेक्ट लगे होते हैं इस टाइप के। यू कहा जाए कि ये RYB यानी 3 फेज सप्लाई देने के लिए यूज की जाती है या मोटर को सप्लाई देने के लिए यूज की जाती है। इस कॉन्टेक्टर के ऊपर आप देख सकते हैं एक एक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगी होती है या किसी किसी कॉन्टेक्टर में साइड में भी दिया गया रहता है। इसमें आप देख सकते हैं NO एक्सिलरी कॉन्टेक्ट, किसी किसी कॉन्टेक्टर में आपको NO और NC दोनों मिलेंगे। फिलहाल इस कॉन्टेक्टर में हमने केवल NO का उपयोग किया है, NO एक्सिलरी कॉन्टेक्ट का, और ये कॉन्टेक्ट आपका NC बन सकता है जब आपका कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा कुछ इस तरीके से। फिलहाल आपका कॉन्टेक्टर ये अनहोल्ड पोजीशन पे है इसलिए ये NO है। ये जो NO कॉन्टेक्ट आप देख रहे हैं ये कॉन्टेक्ट कंट्रोलिंग के लिए यूज की जाती है, और ये जो तीन कॉन्टेक्ट आप देख रहे हैं ये कॉन्टेक्ट मेन कॉन्टेक्ट है यानी मेन पावर सप्लाई के लिए यूज की जाती है। ये कॉन्टेक्ट होल्डिंग पोजिशन पे ये कॉन्टेक्ट सर्किट क्लोज हो जाती है कुछ इस तरीके से, और ये कॉन्टेक्ट जब अनहोल्ड होगा तो ये तीनों कॉन्टेक्ट सर्किट ओपन हो जाएगी। अब इसके साथ यूज होने वाली दो पुश बटन के बारे में देख लेते हैं। इस स्टार्टर में दो पुश बटन का इस्तेमाल होता है, एक ग्रीन और दूसरा रेड। ये ग्रीन पुश बटन NO पुश बटन के नाम से जाना जाता है और ये रेड पुश बटन NC पुश बटन के नाम से जाना जाता है। ग्रीन पुश बटन के अंदर देखेंगे तो कुछ इसमें भी कॉन्टेक्टर के अंदर जैसे होता है इसमें भी इसमें वैसे ही होता है, एक मूविंग कॉन्टेक्ट होता है जिसके दोनों साइड स्टैटिक कॉन्टेक्ट यानी दो टर्मिनल पॉइंट होते हैं, इस टर्मिनल पॉइंट पे वायर की कनेक्शन होता है। इस मूविंग कॉन्टेक्ट के नीचे आप देखेंगे एक स्प्रिंग लगी होती है जो इस मूविंग कॉन्टेक्ट को मूव करती है, और ठीक इसी की जैसे इस रेड पुश बटन में भी होती है, इसमें भी एक मूविंग कॉन्टेक्ट मिलेगी और इस मूविंग कॉन्टेक्ट को मूव करने के लिए स्प्रिंग लगी होती है, और दोनों साइड दो टर्मिनल पॉइंट होते हैं वायर कनेक्शन के लिए। इस NO नाम से यह पता लगा लेंगे कि ये सर्किट पहले से ही ओपन है, और इस NC नाम से ही पता लगा लेंगे कि सर्किट पहले से ही क्लोज है। यानी यू कहा जाए जब आप इधर से सप्लाई देंगे तो बिना इसको पुश किए आपको इधर सप्लाई मिल जाएगी, और इसमें देखेंगे कि जब आप इसमें सप्लाई देंगे तो आपको इधर सप्लाई नहीं मिलेगी क्योंकि सर्किट पहले से ही ओपन है। इसमें आपको इधर सप्लाई तब मिलेगी जब आप इस पुश बटन को पुश करेंगे, तो जब पुश करते वक्त देखेंगे कि ये दोनों तरफ की कॉन्टेक्ट इस मूविंग कॉन्टेक्ट की वजह से जुड़ जाती है, जो सप्लाई आप इधर देंगे वो आप सप्लाई इधर मिलने लगेगी, और जैसे आप इसको छोड़ रहे हैं तो ये स्प्रिंग की वजह से ये कॉन्टेक्ट नीचे की तरफ मूव हो जाती है, और मूव होने के वजह से आपको सप्लाई यहाँ मिलनी बंद हो जाएगी। और इसमें देखेंगे कि जब आप इधर सप्लाई दे रहे हैं तो आपको इधर सप्लाई मिलेगी क्योंकि ये पहले से ही सर्किट क्लोज है, और ये रेड पुश बटन क्या करती है जब आप इस पुश बटन को प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से तो आप देख रहे हैं सर्किट ये ओपन हो जाती है, और ओपन होने की वजह से आपको जो सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं ये सप्लाई यहाँ बंद हो जाती है आपकी, जैसे आप इसको छोड़ रहे हैं तो फिर दोबारा आपकी सप्लाई यहाँ मिलने लगती है। तो ये दोनों पुश बटन का यही काम हुआ। अब इसके कंट्रोलिंग वायरिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस कंट्रोलिंग वायरिंग को करने के लिए
या इस कॉन्टैक्ट को होल्ड करने के लिए या अनहोल्ड करने के लिए यहाँ पे एमसीबी का उपयोग किया है, और यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया है। इस पावर सप्लाई को सबसे पहले एक एमसीबी के थ्रू हमने पास कराया है, ताकि कंट्रोलिंग वायरिंग करने के बाद इस कंट्रोलिंग वायरिंग में कोई गलतियाँ होती है या शॉर्ट सर्किट होती है तो एमसीबी ट्रिप हो जाए। इस कंट्रोलिंग वायरिंग की शुरुआत इस एमसीबी के दोनों आउटपुट टर्मिनल से शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी इस न्यूट्रल पॉइंट से, जो न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ मिल रही है। इस न्यूट्रल पॉइंट को एक वायर के माध्यम से इस कॉन्टेक्टर के जो ए टू पॉइंट देख रहे हैं, ये टर्मिनल पॉइंट, इस टर्मिनल में जोड़ देंगे इस तरीके से। और जो दूसरी वायर कनेक्ट करनी है, वो वायर इस एमसीबी के दूसरे पॉइंट से, इस रेड पुश बटन के पहले पॉइंट से जोड़ देनी है इस तरीके से। अब जो दूसरी कनेक्शन होगी, वो कनेक्शन इस पुश बटन के दूसरी पॉइंट से इस कॉन्टेक्टर के एनो एक्सिलरी कॉन्टेक्ट, जो पहले कॉन्टेक्ट जो देख रहे हैं, इस कॉन्टेक्ट में होगी। इस टाइप से कनेक्शन कर लेनी है, और ठीक इसी पुश बटन के दूसरे पॉइंट से, इस ग्रीन पुश बटन के पहले पॉइंट से एक और कनेक्शन कर लेनी है। अब इस ग्रीन पुश बटन के दूसरी पॉइंट से एक और कनेक्शन होगी, जो इस कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ देनी है। अब एक लास्ट कनेक्शन और बाकी है, वो कनेक्शन आपको इस एनो एक्सिलरी कॉन्टेक्ट के दूसरी पॉइंट से इस कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ देनी है इस तरीके से। अब ये आपकी कंट्रोलिंग वायरिंग पूरी होती है। अब इसके कंट्रोलिंग वायरिंग चेक कर लेते हैं कि ये कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे काम करती है और ये कंडक्टर कैसे होल्ड होता है इस दोनों पुश बटन के माध्यम से। यहाँ पे इस दोनों पुश बटन का इस्तेमाल इस कॉन्टेक्टर को होल्ड और अनहोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे इस पुश बटन को हम प्रेस करें कुछ इस तरीके से, तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जानी चाहिए कुछ इस तरीके से, और जैसे इसको छोड़े तो ये कॉन्टेक्टर अनहोल्ड ना हो। ये कॉन्टेक्टर तब अनहोल्ड होनी चाहिए, यानी ऊपर की तरफ मूव तब होनी चाहिए जब इस बटन को हम एक बार प्रेस करें कुछ इस तरीके से। तो अब देखेंगे जैसे हम इसको प्रेस किए तो ये कॉन्टेक्टर ऊपर की तरफ मूव हो गई। इस कनेक्शन में आप ध्यान से देखेंगे, इस एमसीबी के आउटपुट पॉइंट से या न्यूट्रल पॉइंट से डायरेक्ट एक वायर के माध्यम से इस कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट से हमने जोड़ रखा है, और बीच में कहीं पर भी पुश बटन यानी स्विच ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं किया है। केवल हमने स्विच बटन का इस्तेमाल इस लाइन पॉइंट पे इस वायर में हमने कर रखा है। ये एमसीबी ऑन होने के कारण जो सप्लाई इस पॉइंट पे आ रही है, ये सप्लाई इस वायर के माध्यम से होती हुई और इस एनसी पुश बटन से होती हुई सप्लाई यहाँ पे भी मिलेगी, क्योंकि ये सर्किट अपनी यहाँ पे क्लोज है। और इस पॉइंट से दो जगह वायर को कनेक्ट किया गया है, एक इस पॉइंट पे और दूसरी इस पॉइंट पे, यानी ये सप्लाई यहाँ पे भी आएगी और यही सप्लाई यहाँ पे भी मिलेगी। और ये सप्लाई आपको इस टर्मिनल पॉइंट पर तब मिलेंगे जब इस पुश बटन को इस तरीके से जैसे आप प्रेस करेंगे, तो जो सप्लाई आपको यहाँ पे मिल रही थी वो सप्लाई आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। और जब ये सप्लाई आपको यहाँ मिलेगी तो ये वायर जो आप देख रहे हैं इस टर्मिनल पॉइंट से इस A1 पॉइंट पर जुड़ी हुई होने की वजह से ये सप्लाई आपको यहाँ पे भी आ जाएगी। जैसे ये सप्लाई आपको यहाँ आएगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के दोनों पॉइंट है A1 और A2 पॉइंट, इस दोनों पॉइंट पे जैसे सप्लाई आएगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होने की वजह से जिस स्टैटिक आयरन कोर पे लगी हुई है ये आयरन कोर चुंबक की तरह काम करने लगेगी। और जैसे ये चुंबक की तरह काम करने लगी तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो मूविंग आयरन कोर लगी हुई है, इस आयरन कोर को नीचे की तरफ खींच लेगी। और जैसे इसको खींचेगी इस मूविंग आयरन कोर को, तो इसके ऊपर आप देखेंगे ये एनो एक्सिलरी कॉन्टेक्ट जो लगी हुई है, ये एनो कॉन्टेक्ट NC बन जाएगी, यानी सर्किट इसकी क्लोज हो जाएगी। और जैसे क्लोज होगी तो जो सप्लाई यहाँ से इस वायर के माध्यम से यहाँ तक जो आ रही है ये सप्लाई आगे बढ़ जाएगी, और ये जो सप्लाई जैसे ही आगे बढ़ेगी तो इस वायर के माध्यम से इस A1 पॉइंट पे आ जाएगी। जो सप्लाई आपको इस वायर के माध्यम से इस पुश बटन को प्रेस करने की वजह से जो सप्लाई आपको यहाँ पे मिल रही है, वो सप्लाई आपको अब यहाँ से ना मिलके ये इस वायर के माध्यम से ये सप्लाई
यहाँ से होती हुई इस इवन पॉइंट पे मिल जाएगी और ये कॉन्डक्टर होल्ड की होल्ड ही रह जाएगी अगर इस पुश बटन को आप छोड़ भी देंगे तो। अब इस कॉन्डक्टर को अनहोल्डिंग के लिए यानी इस मूविंग आयरन कोर को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए इस रेड पुश बटन को प्रेस करेंगे और प्रेस करते वक्त आप ध्यान देंगे जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो जो सप्लाई इस पुश बटन से होकर जो जा रही है आगे की तरफ ये सप्लाई इस वायर के माध्यम से और इस एनो कॉन्टेक्ट के माध्यम से इस इवन पॉइंट पे जा रही है ये सप्लाई को हम यहीं से ही ब्रेक कर देंगे। जैसे हम इसको पुश करेंगे तो आप देखेंगे पहले ये सर्किट क्लोज थी, अब ये सर्किट ओपन हो चुकी है और सर्किट ओपन होने की वजह से जो सप्लाई यहीं से होके जा रही है वो सप्लाई को हमने यहीं ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने की वजह से सप्लाई ये आगे जाना बंद हो गई। और जब ये सप्लाई आगे जाना बंद हो जाएगी तो ये सप्लाई इवन पॉइंट पे नहीं मिलेगी, जब इवन पॉइंट पे नहीं मिलेगी तो ये कॉन्टेक्टर ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी क्योंकि ये नीचे के कॉयल के ऊपर आप देंगे तो एक स्प्रिंग लगी है जो इस मूविंग आयरन कोर को ऊपर की तरफ मूव कर देगी। अब इस बटन को अगर छोड़ भी देंगे और ये कॉन्टेक्टर आपस में जुड़ भी जाएंगे फिर दोबारा तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगी। अब ये कॉन्टेक्टर तब होल्ड होगी जब इस ग्रीन पुश बटन को दोबारा आप प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग पूरी होती है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं।